हेलो फ्रेंड, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, आज की जान लेते हैं आज की खबर। अभी पूरा इंडिया में एक ही बात चल रहा है कि क्या राफेल डील एक स्कैम है। इसी के बारे में हम पूरा बात करेंगे, इसका पूरा जानेंगे कि राफेल डील क्या है, कब हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। 2000 साल में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि जो MiG-21 जो रिटायर्ड हो जाएगा उसके बदले में जो एयरक्राफ्ट चाहिए वो खरीदेगा। उसके बाद 2001 में RFI जारी किया कि इसमें था कि 126 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, उसमें 18 फ्लाइंग कंडीशन में आएगा और 108 जो बाकी है वो हेल में HAL में बनेगा। उसका 6 साल बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला, उसमें बहुत सारा फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ बनाता है, इस कंपनी को बोला कि आप अपना टेंडर भर दीजिए। इसमें MiG-35, स्वीडिश JAS-39, राफेल, F-16, FA-18 जो बोइंग का है, और यूरो फाइटर टाइफून भी था। उसके बाद 2008 में सब अपना अपना टेंडर जमा कर दिया। देन क्या हुआ कि 2011 में राफेल और यूरो फाइटर टाइफून को चुना गया। हर वक्त दोनों फाइटर को चुना जाता है क्योंकि प्राइस निगोशिएशन हो सके, इसलिए। उसके बाद 2012 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने राफेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का गवर्नमेंट चेंज हो गया, फ्रांस का गवर्नमेंट भी चेंज हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो गया। फिर 2015 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस का दौरा किया और अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया 36 गो राफेल विमान फ्रांस से खरीद रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था। उसके बाद 2015 में फ्रांस ने बोला कि 11.8 बिलियन लगेगा ये 36 राफेल विमान खरीदने के लिए। इसमें इंडिया राजी नहीं हुआ, इंडिया बोला कि इतना पैसे में हम नहीं खरीदेंगे। तो उसके बाद 2016 जनवरी में फ्रांस आया और बोला कि 8.6 बिलियन यूरो में खरीदा जा सकता है। तो इंडिया फिर से बोला कि नहीं, हम इसमें नहीं खरीदेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 7.878 बिलियन यूरो में ये खरीदा गया, लगभग 59,000 करोड़। सो फिर आप देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंडिया को 16 साल लग गया कि इंडिया में राफेल आएगा। तो इसलिए 2000 साल में स्टार्ट हुआ और 2016 में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। ये जो हुआ ये पूरा राफेल डील का हिस्ट्री है। तो इसके बाद हम विचार करेंगे कि ये क्या राफेल डील जो हुआ है ये पूरा स्कैम है। राहुल गांधी जी ने बोला कि ये जो राफेल डील हुआ है ये पूरा स्कैम है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। राहुल गांधी जी ने बोला कि जब UPA गवर्नमेंट के टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था राफेल डील के लिए, तो तब पर यूनिट कॉस्ट आ रहा था 520 करोड़ रुपया। तो अभी वो पैसा इतना बढ़ गया कि 1600 करोड़ रुपया कैसे हो गया, यही बात बोला राहुल गांधी जी ने। जो बोला कि जो यूनिट कॉस्ट है कि 520 करोड़ रुपया, ये ओनली एयरक्राफ्ट का प्राइस है, इसमें कोई भी एड ऑन नहीं था। लेकिन जो 1600 करोड़ है उसमें बहुत सारा एड ऑन है, इसमें वेपन ऐड है, वेपन के लिए 720 मिलियन यूरो लगेगा उसके लिए, और उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स है उसके लिए 1800 मिलियन यूरो लगेगा, उसके बाद जो वेदर कंपेटिबिलिटी फिट होना चाहिए उसके लिए 1700 मिलियन यूरो, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट इसके लिए 350 मिलियन यूरो लगेगा। टोटल मिला के हो गया कि 32,280 करोड़। ये जो एयरक्राफ्ट का जो प्राइस होता है ये एवियोनिक सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो ये जो राफेल आने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट है, इसमें बहुत अच्छा एवियोनिक सिस्टम है, तो इसलिए इतना प्राइस बढ़ गया। और जो UPA गवर्नमेंट के टाइम में जो आने वाला था उतना एवियोनिक सिस्टम अच्छा नहीं था, इसमें बहुत सारा अपडेटेड फीचर्स नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारा अपडेटेड फीचर्स रहेगा, इसलिए इतना ज़्यादा दम बढ़ गया। ये बात भी सामने आया कि रिलायंस को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल गया, हेल को क्यों नहीं मिला। हेल को मिलता था तो इंडिया गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत पैसा आ जाता, लेकिन जब डेसॉल्ट ने राफेल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया आया और हेल को पूछा कि कितना टाइम लगेगा, और डेसॉल्ट ने हेल को बोल दिया कि उन लोगों का जो एस्टिमेटेड टाइम है, लेकिन हेल वो टाइम सुन के बोला कि हम इसी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए डेसॉल्ट ने पूछा कि कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डेसॉल्ट ने बोला कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम में ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो इसलिए रिलायंस ने बोला कि हम इसी टाइम पे कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम दिया गया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के मिल गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पूरा गवर्नमेंट के सामने हुआ है, वो हेल्थ के सामने ही हुआ है, इसमें कोई भी तरह से कोई भी स्कैम नहीं है, कोई भी छोलछल नहीं है।
ये हो गया राफेल डील का पूरा हिस्ट्री। अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और कुछ बोलना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपडेट पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।